हाल ही में फिरोजाबाद के एक सिपाही का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो पुलिस के खाने की खराब क्वालिटी की शिकायत कर रहा था। कुछ ऐसा ही अब पड़ोसी जिले मैनपुरी में हुआ। फर्क इतना था कि पुलिस में इसकी खराब क्वालिटी पर भड़कने वाले जिले के एसपी थे। एसपी कमलेश दीक्षित पुलिस में इसके भोजन की गुणवत्ता और साफ सफाई का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। एसपी साहब के निरीक्षण का वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हुआ। इसमें वो दाल के भगोने में चमचा घुमाकर दाल खोजते नजर आए। दाल तो यार पानी है, दाल कम लग रहा है, पानी ज्यादा लग रहा है। जब दाल नहीं केवल पानी मिला तो मेज प्रबंधक पर चिल्लाए कि दाल में पानी है या पानी में दाल है। उनका कुछ ऐसा ही हाल कच्ची जली रोटियों को देख कर भी हुआ। जब उनसे मेस में काम करने वाले लोगों ने निवेदन किया कि अब सुधार होगा, तब एसपी साहब बोले, अच्छा जब फिरोजाबाद वाला दिया गया तो अब सुधार होगा। इतना ही नहीं, एसपी साहब मेस में ऐसा खाना खाने वाले सिपाहियों से बोले, आप लोग क्यों इतना शर्म करते हैं, बताने में आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, ये दशा है। फिरोजाबाद के पुलिस कार्यालय के समन सेल में तैनात सिपाही मनोज कुमार ने पिछले सप्ताह सड़क पर रो रोकर पानी वाली दाल और जली रोटियां दिखाई थी। बाद में विभाग की ओर से बताया गया कि उसका पत्नी के साथ विवाद चल रहा है, इसलिए वो परेशान है। आगरा में उसका मानसिक परीक्षण भी हुआ। असलियत क्या है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन मैनपुरी की इस घटना के बाद लगता है कि मनोज कुमार की बात में दम था।